नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करने जा रहे हैं। जो हमारी एक सीरीज चल रही है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट, इस सीरीज के माध्यम से हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को दोस्तों डिटेल से जाना जाता है और साथ में ही दोस्तों आपको हर एक प्रैक्टिस सेट की PDF भी उपलब्ध कराई जाती है। ये PDF दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिएगा, शुरू करते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट को। तो पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। तो फ्रेंड्स, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ में स्थित है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, 820 में दोस्तों इन्होंने केदारनाथ में जल समाधि ली थी और केदारनाथ का जीर्णोद्धार भी दोस्तों आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा ही कराया गया था। अगला प्रश्न है, महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना की। महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना महादेवी भटनागर ने की थी। सही आंसर है ऑप्शन सी। और दोस्तों ये की थी 1902 में, तो सन भी आप याद रखिएगा, 1902 में महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना देहरादून में की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीट वाला जिला है। तो दोस्तों सर्वाधिक विधानसभा सीटें देहरादून जनपद में है, सॉरी हरिद्वार जनपद में है। इनकी संख्या है 11। ठीक है, और 11 विधानसभा सीटों वाला जनपद है हरिद्वार, जो राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। बात करेंगे कि राज्य में सबसे कम विधानसभा सीट वाले जनपद कौन कौन से हैं। तो दोस्तों तीन जनपद हैं, बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग। यहाँ दोस्तों दो दो विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, राज्य में कुल विधानसभा सीटें हैं 70, इनमें से 15 सीटें दोस्तों आरक्षित हैं, 13 सीटें SC के लिए और 2 सीटें दोस्तों ST के लिए। 2 सीटें हैं दोस्तों आपकी चकराता और नानकमत्ता। ठीक है, तो याद रखिएगा 70 सीटों में से 15 सीटें आरक्षित हैं। छठा प्रश्न है, जौनसार क्षेत्र के महासू मंदिर में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो जौनसार क्षेत्र के महासू मंदिर में मनाए जाने वाला त्यौहार है दोस्तों जागड़ा मेला। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, जौनसार क्षेत्र, जो जौनसारी जनजाति है दोस्तों, इनके देवता है महासू देवता। ठीक है, और महासू देवता के लिए दोस्तों जो एक पर्व मनाया जाता है, तो जागड़ा पर्व मनाया जाता है। ठीक है, जौनसारी लोगों के मुख्य देवता हैं महासू देवता। ठीक है, और उनके पवित्र तीर्थ स्थल को हनोल कहा जाता है, जो कि देहरादून में स्थित है। सातवां प्रश्न है, उत्तराखंड की निम्न पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो दोस्तों नंदा देवी यह राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 78.17 मीटर। पंचाजुली इसकी ऊंचाई है दोस्तों 69.04 मीटर। ठीक है, कामेट की बात करेंगे तो 77.57 इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और केदारनाथ की बात करेंगे दोस्तों, तो केदारनाथ की ऊंचाई है आपकी 69.68। ठीक है, तो याद रखेगा, तो सबसे ऊंची हो गई आपकी पश्चिमी नंदा देवी, उसके बाद दोस्तों कामेट दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर दोस्तों केदारनाथ। ठीक है, और चौथे स्थान पर है पंचाचूली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन था हमारा, तो वह था ऑप्शन ए। ठीक है, यह आप याद रखेगा, सिर्फ आप ऊंचाई याद रखेगा, फिर आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आईने अकबरी में तराई के महलों की वर्णित संख्या है। तो फ्रेंड्स, आईने अकबरी में तराई के 21 महलों की वर्णित संख्या है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आईने अकबरी यह दोस्तों अबुल फजल की पुस्तक है। ठीक है, और अकबर की जीवनी। ठीक है, जो अकबरनामा है, अकबरनामा का ही एक पार्ट है आईने अकबरी। अगला क्वेश्चन है, वांगर व खादर है। तो वांगर और खादर, ठीक है, ये दोस्तों जलोढ़ मिट्टी द्वारा निक्षेप है। ठीक है, जो खादर होती है तो वह नई जलोढ़ मिट्टी होती है और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। वांगर ये दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तराई क्षेत्र में दोस्तों यही मिट्टी पाई जाती है, जो गंगा का मैदान है उसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप और तराजू द्वीप संबंधित हैं। तो दोस्तों ये तीनों जो प्रथाएं थीं,
ये एक न्याय प्रथाएं थी या फिर न्याय व्यवस्था थी, ठीक है। और ये दोस्तों गोरखाओं के समय प्रचलित थी। तो याद रखेगा कि गोला दीप, कड़ाई दीप और तराजू दीप, ये तीनों न्याय व्यवस्था गोरखों के समय प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रामालयों को कहा जाता था। तो दोस्तों यात्रा पथ पर यात्रियों के लिए जो विश्राम गृह बने होते थे उन्हें चट्टी कहा जाता था, ठीक है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जबकि दोस्तों उत्तराखंड में जल संचय के लिए जो बनाए जाते हैं तो वह चाल खाल बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, चाल खाल क्या होते हैं, जल संचय के लिए स्थल। 12वां प्रश्न है, चंद राजाओं में इनमें से सबसे लंबा समय तक शासन किया। तो दोस्तों चंद शासकों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा यह हमें बताना है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ज्ञानचंद, गरुण ज्ञानचंद। ये दोस्तों सबसे लंबे समय तक शासक बनने वाला चंद शासक था। इसका कार्यकाल आता है दोस्तों 1365 ईस्वी से 1420 तक, ठीक है। ये दोस्तों लगभग 55 साल तक चंद शासक रहा था, ठीक है। बात करेंगे कि यह किस क्रम का शासक था, तो दोस्तों चंद वंश का 29वां राजा था, ठीक है। इससे भी दोस्तों महत्वपूर्ण है कि दिल्ली दरबार में जाने वाला पहला चंद शासक तो दोस्तों गरुण ज्ञानचंद था, और यह फिरोज शाह तुगलक के दरबार में गया था, और फिरोज शाह तुगलक ने ही दोस्तों ज्ञानचंद को गरुण की उपाधि दी थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के बनने तथा फलदार पेड़ों का प्रथम कैटलॉग प्रकाशित किया गया। तो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन, इसके द्वारा दोस्तों फलदार पेड़ों का प्रथम कैटलॉग जो जारी किया गया तो वह 1893-95 में जारी किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन, इसकी स्थापना दोस्तों 22 मार्च 1909 में की गई। नॉर्मन गिल दोस्तों इसके संस्थापक हैं। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के द्वारा ही दोस्तों रसीले फलों का पहला कैटलॉग जारी किया गया था 1893 में, जबकि दूसरा कैटलॉग 1899 में, और तीसरा कैटलॉग जो जारी किया गया तो वह 1924 में जारी किया गया था। फ्रेंड्स, अभी तक आपने सभी हमारे प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाकर जरूर देखिएगा, आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। हमारे इस प्रैक्टिस सेट सीरीज के माध्यम से दोस्तों आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे इस प्रैक्टिस सेट सीरीज से जरूर जुड़िएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून लागू किया गया। तो उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्रों में भूमि संबंधी सीलिंग कानून लागू किया गया था 1972 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा। तो दोस्तों गढ़वाल में था पवार वंश, जिसका संस्थापक आता है कनकपाल, और कनकपाल के द्वारा पवार वंश की स्थापना 888 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। और पवार वंश का ही सबसे लंबा कार्यकाल आता है क्योंकि इन्होंने 888 से लेकर दोस्तों 1704 तक शासन किया था, ठीक है। क्योंकि 1704 में दोस्तों खुड़बड़ा का युद्ध होता है और उसके बाद दोस्तों यह समाप्त तो हो जाते हैं। दर्रे के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द हैं। तो दोस्तों घाट, धुरा और ला, इन सभी को दोस्तों दर्रों के नाम से ही जाना जाता है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, जैसे मुलिंगला, ठीक है, जयंती धुरा, लातू धुरा, ठीक है, और घाट, घाट दोस्तों बोलते ही हैं, ये आप याद रखेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में नारायण आश्रम स्थित है। नारायण आश्रम यह दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से दयंती एवं रयंती का संबंध है। दयंती और रयंती ये दोस्तों जोन सारियों में होते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। दयंती और रयंती क्या होते हैं दोस्तों, तो जोन सारी लोग अविवाहित लड़की को दयंती बोलते हैं जबकि विवाहित लड़की को रयंती बोलते हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखेगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1935 ईस्वी में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे। तो बाल सभा की स्थापना की थी दोस्तों सत्य प्रसाद रतूड़ी ने, कब की, 1935। इंपॉर्टेंट है, सीधा याद रखेगा, 1935 में सत्य प्रसाद रतूड़ी के द्वारा बाल सभा की स्थापना
की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मुदेड़ मुनाल नामक आभूषण धारण किया जाता है। मुदेड़ मुनाल जो है दोस्तों ये है कान में पहना जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, डिटेल से जानेंगे दोस्तों। और सभी हमने इसमें आभूषण लिए हैं जो महिलाओं के द्वारा अलग अलग अंग में पहने जाते हैं। पहला है दोस्तों माथे या सिर पर पहने जाने वाले आभूषण, तो शीश फूल मांग टीका सुहाग बिंदी ये सभी दोस्तों माथे या सिर पर पहने जाने वाले आभूषण हैं। कान में तो दोस्तों मुरखली वाली कुंडल तुगियल गोरख कर्णफूल मुनार मछली झुपझुपी जल कच्छप मुरकी या भुजनी ये सभी आभूषण दोस्तों कान में पहने जाने वाले आभूषण हैं। फ्रेंड्स आभूषण इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। नाक में पहने जाने वाले नाथ नथुनी वुलाक फुल्ली या बीड़ ठीक है, तो ये सभी नाक में पहने जाते हैं। गले के आभूषण गुलवंद लोकिट चरियो हसुली हमेल चवन्नी माला कंठी माला चंद्रोली झुपिया और सतुवा ठीक है, तो ये गले के आभूषण थे। हाथों के आभूषण धागुली अंगूठी गोखले और बाजूबंद, तो ये दोस्तों हाथों के आभूषण हैं। पैरों के आभूषण दोस्तों खंडवा बिछुआ इमरती झांबर पोंटा लच्छा और पुलिया, तो ये हैं आपके पैरों के आभूषण ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा को राजधानी बनाया गया, तो 1563 में अल्मोड़ा को राजधानी बनाया था दोस्तों चंद राजाओं ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चंद राजाओं ने दोस्तों पहली राजधानी अपनी चंपावत को बनाया ठीक है। जब दोस्तों सोमचंद के द्वारा चंद वंश की स्थापना की गई थी तो उस समय चंपावत को अपनी पहली राजधानी बनाया गया था, जबकि चंद वंश के राजा थे कल्याण चंद ठीक है। तो कल्याण चंद के द्वारा ही दोस्तों अल्मोड़ा को अपनी राजधानी बनाया गया 1563 में। अगला प्रश्न है, 1996 ईस्वी में कल्याण सिंह रावत द्वारा मेथी आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी, तो ये की गई थी दोस्तों ग्वालदम इंटर कॉलेज चमोली से। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी ठीक है। तो ग्वालदम इंटर कॉलेज दोस्तों चमोली में स्थित है, जहां से कल्याण सिंह रावत के द्वारा 1996 में मेथी आंदोलन शुरू किया गया था ठीक है। और दोस्तों एक बुग्याल आता है बेदनी बुग्याल, बेदनी बुग्याल भी मेथी आंदोलन से संबंधित है। मेथी के नाम से दोस्तों कल्याण सिंह रावत को जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया, तो ये किया था 23 मई 1984 में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी ठीक है। और वचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो यमुना की सहायक नदी दोस्तों सोंग नहीं है, क्योंकि सोंग गंगा की सहायक नदी है और यह देहरादून के रायवाला में मिलती है ठीक है। टोंस गिरी और आसन ये तीनों दोस्तों यमुना की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, बोराणी मेला लगता है, तो बोराणी मेला दोस्तों कहां लगता है, यह आपका लगता है पिथौरागढ़ में, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था आरंभ की गई, तो ये डाक व्यवस्था जारी की गई थी 1815 में। 1815 में दोस्तों कुमाऊं का पहला कमिश्नर होता है ई गार्डनर, और इसी के समय दोस्तों डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया जाता है ट्रेल, ट्रेल के द्वारा ही दोस्तों अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था शुरू की गई थी ठीक है। तो आप कार्यकाल याद रखेगा ई गार्डनर का था, परंतु इसे जारी या फिर शुरू किसने किया था, तो कमिश्नर ट्रेल ने शुरू किया था जो कि डिप्टी कमिश्नर था। अगला प्रश्न है, मुंडिया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है, तो मुंडिया बोला जाता है दोस्तों बाजपुर को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आपका होमवर्क है, बताइएगा कि बाजपुर किस नदी के तट पर स्थित है ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थित है, तो भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया गया है दोस्तों उत्तरकाशी के लंका में। लंका नामक स्थान पर दोस्तों जाह्नवी और भागीरथी नदी का संगम होता है, वहां पर ही इसे बनाया गया है ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया, तो महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया है दोस्तों प्रसाद के बाद माँ और कन्या शिशु के लिए ठीक है। प्रसव के बाद दोस्तों
माँ और कन्या शिशु के लिए ठीक है महालक्ष्मी योजना को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है गड़िका नाटक लिखा गया है, तो गड़िका नाटक जो लिखा गया तो यह है दोस्तों मोला राम के द्वारा लिखा गया है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है अगला प्रश्न है उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण संबंधी विधेयक पारित हुआ था, तो महिलाओं के लिए दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था में 50% जो आरक्षण दिया गया तो वह मार्च 2008 में दिया गया था भुवन चंद्र खंडूरी जी के द्वारा। ठीक है इससे पहले दोस्तों 33% पंचायतों में आरक्षण था महिलाओं के लिए। अगला प्रश्न है हेनरी रैमजे कुमाऊं के शासक हुए, तो हेनरी रैमजे कुमाऊं के शासक जो बने तो वह सन 1856 में बने थे और इनका कार्यकाल 1856 से 84 तक रहा था। ठीक है और कुमाऊं कमिश्नरी में सबसे लंबा कार्यकाल दोस्तों हेनरी रैमजे का ही रहा और इसके ही कार्यकाल को दोस्तों कुमाऊं कमिश्नरी या फिर कुमाऊं कमिश्नर का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। हेनरी रैमजे छठा कमिश्नर था। ठीक है ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मूल रूप से स्कॉटलैंड का सैनिक वाद्य यंत्र जो कि उत्तराखंड राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है, तो बेहतर दोस्तों मशक वाजा या फिर मशक बीन। ठीक है तो मशक बीन जो है दोस्तों तो यह है स्कॉटलैंड का मूल वाद्य यंत्र है और यह है सुशीर वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है किस ताल को स्कंद पुराण में त्रि ऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है, तो त्रि ऋषि सरोवर बोला जाता है दोस्तों नैनीताल को, सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। बात करेंगे खुरपा ताल। ठीक है तो खुरपा ताल इसका आकार दोस्तों जानवर के खुर के समान है, यह आप याद रखिएगा और यह भी दोस्तों नैनीताल जनपद में स्थित है। नौकुचे ताल कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है, यह भी दोस्तों नैनीताल में स्थित है। ठीक है नैनीताल को सरोवर नगरी व झीलों की नगरी कहा जाता है, इसकी खोज 1841 में सीपी बैरन के द्वारा की गई थी, तो सीधा याद रखेगा कि सीपी बैरन के द्वारा नैनीताल की खोज की गई थी 1841 में। ठीक है नैनीताल को सरोवर नगरी और झीलों की नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस स्थित है, तो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस ये आपका मसूरी में स्थित है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। मसूरी की बात करेंगे तो मसूरी को दोस्तों गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है, मसूरी को ही दोस्तों पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। ठीक है मसूरी की स्थापना या फिर इसके संस्थापक जो है तो वह आयरिश ऑफिसर कैप्टन यंग थे। ठीक है तो मसूरी की स्थापना जो की तो वह आयरिश कैप्टन यंग ने की थी। ठीक है मसूरी की पहली इमारत आती है दोस्तों मलिंगार होटल, इसकी स्थापना 1828 में की गई थी। ठीक है तो ये सभी बातें आप याद रखिएगा मसूरी को लेकर। अगला प्रश्न है हल्द्वानी नगर स्थापित किया गया, तो हल्द्वानी नगर को स्थापित किया था कमिश्नर ट्रेल ने, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स जो आधुनिक हल्द्वानी है इसकी स्थापना 1834 में विलियम ट्रेल के द्वारा की गई थी। ठीक है और यह है गोला नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। ठीक है बात करेंगे हल्द्वानी के प्राचीन नाम की, तो इसका प्राचीन नाम है बमोरी। हल्द्वानी में ही दोस्तों आर्य समाज भवन स्थित है जिसकी स्थापना 1901 में की गई थी। ठीक है हल्द्वानी में दोस्तों नहरों के बनाने का जो कार्य किया तो वह कमिश्नर रैमजे ने किया था। 1 सितंबर 1966 को हल्द्वानी को नगर पालिका घोषित किया गया जबकि नगर निगम 2011 में बनाया गया था। 2011 में ही दोस्तों हरिद्वार को भी नगर निगम बनाया गया और वर्तमान में 9 नगर निगम हैं उत्तराखंड में। एक स्थल है दोस्तों डाकू सुल्ताना कुआ, तो यह भी हल्द्वानी में स्थित है और हल्द्वानी में दोस्तों नहान पर्वत श्रृंखलाएं भी स्थित हैं। तो ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट थे हमारे हल्द्वानी को लेकर। अगला प्रश्न है कि चंद वंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था, तो वह था दोस्तों रुद्रचंद। रुद्रचंद जो है दोस्तों तो वह 1588 में अकबर से मिलने के लिए दिल्ली गया था, परंतु यह दिल्ली में नहीं मिलता है इसलिए यह लाहौर पहुंच जाता है। तो याद रखेगा कि लाहौर में मुलाकात की थी रुद्रचंद ने अकबर से। पीछे पढ़ा था हमने कि दिल्ली दरबार
में जाने वाला शासक कौन था? तो गरुड़ ज्ञानचंद, तो वो पहला शासक था। अब यहाँ पर है दोस्तों कि मुगल दरबार में जाने वाला पहला चंद शासक तो रुद्रचंद है। अगला प्रश्न है, निम्न में से बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किया था? तो बंधु नामक मासिक पत्र जो निकाला तो वह निकाला था राम सिंह धोनी ने। एक आता है दोस्तों प्रजा बंधु जो रानीखेत से निकला था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में चेतु व माणकू थे? तो ये दोनों दोस्तों प्रसिद्ध चित्रकार थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, बात करेंगे चेतु की, तो चेतु का एक प्रसिद्ध चित्र है दोस्तों 13 चित्रों का एक चित्रांकन रुक्मणी हरण। ठीक है, तो रुक्मणी हरण जो चित्र है तो यह है चेतु का है। ठीक है, चेतु ही दोस्तों कृष्ण लीलाओं के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और एक आता है दोस्तों आँख मिचोली, आँख मिचोली जो चित्र है तो वह माणकू का है। ठीक है, और जय देव द्वारा रचित गीत गोविंद का जो चित्रण किया है तो वह भी माणकू ने किया है। माणकू और चेतु ये दोनों दोस्तों सुदर्शन शाह के दरबारी चित्रकार थे, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में खेती की जाती है? तो बायोडीजल के लिए दोस्तों जो खेती की जाती है तो वह जेट्रोफा पौधे की जाती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। रोडोडेंड्रोन किसका दोस्तों वैज्ञानिक नाम है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये जो दोस्तों आपको होमवर्क दिए हैं बेसिक हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप दो होमवर्क आपको मिल चुके हैं, तो दोनों का आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, एक लास्ट में आपको होमवर्क मिलेगा, तो तीन होमवर्क हो जाएंगे आपके। 41वां प्रश्न है कि सलोला द्वितीय वंश की स्थापना की थी? सलोला द्वितीय वंश इसकी स्थापना की थी इक्षरदेव ने। जो दोस्तों कत्यूरी राजवंश था उसमें तीन परिवार हुए थे। ठीक है, उनमें से अंतिम परिवार आता है सलोना द्वितीय वंश या परिवार, जिसकी स्थापना की इक्षर देव ने। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे इस प्रैक्टिस सेट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये पसंद जरूर आए होंगे, और दोस्तों हमने सभी को बेसिक डिटेल से जाना है जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आज का आपका होमवर्क रहेगा कि मुड़िया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है। चार ऑप्शन दिए हैं आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा सही आंसर क्या रहेगा। साथ में बताइएगा दोस्तों कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।